news.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे हम जानते हैं बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में चर्चाओं का जो बाजार है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ओमाइक्रॉन का खतरा या फिर उसके बारे में जितनी भी चीजें नई नई सामने आ रही है वो आए दिन खबरें उसकी प्रकाशित हो रही है और इस बारे में कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का ये वायरस है ओमाइक्रॉन और किस तरीके का ये नया वेरिएंट है, क्या लक्षण है इस बारे में, और इसके चलते कई अफवाहें भी फैल रही है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को समझने क्या है ओमाइक्रॉन, कैसे लक्षण है, बचाव के तरीके क्या है, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे doctors.com इस स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश गावंडी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कहीं ना कहीं ओमाइक्रॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही है, हालांकि लोगों को अभी भी पता नहीं कि ओमाइक्रॉन है क्या और इसके लक्षण किस तरीके के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओमाइक्रॉन आखिर है क्या, और साथ ही क्या कोरोना वायरस जो पहला था उसकी तरह ही इसके लक्षण है या फिर उससे कुछ अलग इसके लक्षण है। ओमाइक्रॉन एक जो COVID-19 पुराना वायरस था उसी का नया वेरियंट है। okay. क्योंकि अभी सब लोग जान चुके हैं, सबको पता है कि COVID-19 ये हाईली म्यूटेंट वायरस है, इसका म्यूटेशन ज़्यादा होता है। और वो माइक्रॉन जो पहले डेल्टा वायरस था उसके पहले COVID-19 के अलग अलग वेरिएंट थे, उसमें से ये थोड़ा सा अलग वेरिएंट है। क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन जो रहते हैं उसमें नियर अबाउट 30 से 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। ओवरऑल 50 से 52 म्यूटेशन हुए हैं, और ये म्यूटेशन के कारण ये वायरस लक्ष्य के लक्षण भी अलग है और उसका जो प्रतिकार शक्ति है या ट्रांसमिशन है वो रेट भी अलग है। क्योंकि आपने देखा है कि पुराने जो वेरिएंट थे उसमें बुखार आना, नॉर्मल दवाई को रिस्पॉन्स नहीं देना, या सेंस ऑफ स्मेल जो वो नहीं रहना, थकवा आना, ये सब सारे लक्षण थे। लेकिन ये जो वेरिएंट है इसमें लक्षण है थोड़े से अलग है, थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकावट जैसा रहना, टायर्डनेस आना, माइल्ड बुखार रहना और उल्टी जैसा लगना, ये सब माइल्ड लक्षण ये नए वेरिएंट के। सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन का ये जो वायरस है वो तेजी से फैलता है, हालांकि इसके जो लक्षण है वो धीमी गति से दिखाई देते हैं। इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है इसका तथ्य। इसका रीजन ऐसा है कि जैसे स्पाइक प्रोटीन्स है, स्पाइक प्रोटीन्स के जो म्यूटेशन हुए 30 से 32 तक म्यूटेशन हुए, जो भी नेचुरल इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज है बॉडी में, या वैक्सीन देने के बाद उसके जो एंटीबॉडीज डेवलप हुए वो एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट काम करते हैं। और स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट काम करने के कारण जो भी वायरस आता है अपने शरीर में एंटीबॉडी वायरस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के कारण, वो एंटीबॉडीज उसको ब्लॉक करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप वायरस की एंट्री सेल्स में नहीं होती थी, यानी इन्फेक्शन नहीं होता था। ये म्यूटेशन होने के कारण एंटीबॉडीज और वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडीज इसका प्रभाव कम होने के चांसेस है, इसलिए इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा है, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, इसलिए ये अभी तक जितने भी वेरिएंट आए उससे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। Okay. ताकि मींस एक आदमी से और दूसरे आदमी के पास जाने के इसका रेट सबसे ज़्यादा है। ओके सर, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से ओमाइक्रॉन का जब से ये वेरिएंट आया तब से इसको बहुत ही ज़्यादा डराकर भी कई बार दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाई जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है उससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है या फिर बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कई दफ़ा बहुत अच्छा भी है, मतलब लोग उससे सतर्क रह रहे हैं पर इससे लोग डर भी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितनी इन बातों में सच्चाई है और कितना खतरनाक ओमाइक्रॉन वायरस हो सकता है। जैसा कि ये सब लोगों की मेरी एक ही गुजारिश है कि यह वायरस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, इसके और बहुत सारे स्टडीज आने के हैं अभी, जैसे कुछ यूरोप और साउथ अफ्रीका में केसेस है, लेकिन उसका केसेस और उसका फैलाव और उसका आगे लक्षण है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है अभी तक आया नहीं है। एट प्रेजेंट इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, इन्फेक्टिव ज़्यादा है, साइंस एंड सिम्टम्स कम है, तो ये अपने लिए पॉजिटिव है। लेकिन ये नया वेरियंट है, इसका ट्रांसमिशन यदि बढ़ता है, बड़े बुजुर्ग लोग या छोटे बच्चे इसमें ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया तो आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए अपने पास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ एक ही डोज लिया उसने दूसरा वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन।
और ये साथ जो ही साथ मस्ट है। इंडोर प्लेसेस जो है वहाँ पे हाँ वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, खुद की ओके इम्यूनिटी पावर अच्छी रहनी चाहिए, ओके तो खुद का डाइट अच्छा है, बैलेंस डाइट ये सब रहने के कारण अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी। और ये सब यदि अपन ने फॉलो किया तो ये भी वेरियंट अपने लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने के ओके चांस थे। हाँ लेकिन आपने देखा इसके पहले जैसा कि 30 जनवरी 2020 में केरला में एक सिंगल केस आई थी हाँ और फिर बाद में मार्च से आपने कैसा देखा, हाँ एकदम तो ये स्पाइक हो वेरिएंट गया। डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कुछ होता है और आगे बढ़ने के चांस यदि होने के चांसेस है तो उसका जो आपने प्रिकॉशन लिया तो शायद अपन इससे भी बचा पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं डरने की जरूरत नहीं पर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो ये मिला है उसमें डरना जरूरी नहीं है पर हाँ सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक कभी है। ये फिलहाल की घातक हो कभी सकता भी है, घातक हो सकता है कहीं ना कहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये भी खबरें आ रही है कि बच्चों के लिए भी ओमाइक्रॉन वायरस जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कितनी सच्चाई है इस बात में, इसकी पुष्टि आपसे करना चाहती हूँ। अभी आज तक अभी जितने भी ये स्टडीज हुई है साउथ अफ्रीका यूरोप में उसके हिसाब से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया और मिडल एजेड लोग इसमें ज़्यादा है, बच्चे में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये नया वेरिएंट है अभी आगे उसका म्यूटेशन और कुछ हो सकता है और आगे बच्चों में भी इन्फेक्ट हो सकता है ये अभी बताना मुश्किल है, इसलिए अपने पास उसकी सतर्कता रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि बुजुर्गों में भी इसका असर रहेगा और कहीं ना कहीं मिडिल एज लोगों में भी इसका असर हो सकता है, तो किस तरीके से उनमें इसका असर होगा इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अभी साउथ अफ्रीका में जितने भी केसेस आए उसमें ये पाया गया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उसी में ज़्यादा उसका असर हुआ है, उसका इन्फेक्शन उसी में ज़्यादा हुआ है। और बड़े लोग बुजुर्ग लोग या बच्चे शायद उनके एक्सपोजर में नहीं आए होंगे लेकिन उसमें संक्रमण कम है, लेकिन उसमें भी संक्रमण हो सकता है यदि वैक्सीन नहीं लिया और उसका यदि कांटेक्ट में आए तो उसमें भी संक्रमण होने के चांसेस हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब जिन लोगों ने दोनों भी वैक्सीन के डोज कंप्लीट कर लिए वो पूरी तरीके से सेफ है या फिर उनमें भी इसके लक्षण दिखाई देंगे, किस तरीके का? ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग जो है जिन्होंने दो वैक्सीन हो चुके हैं उनमें भी इसके लक्षण दिखे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन एक हेलमेट की तरह है, जैसे अपन हेलमेट पहनते और गाड़ी चलाते हैं इसका मतलब गाड़ी कैसी भी चलाना ऐसा नहीं है, तो एक प्रोटेक्शन अपने पास है इसका मतलब नहीं ये कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ तो भी उसके चांसेस है उसकी सिवियरिटी कम होंगी। एक तो है कि नहीं होगा और होने के बाद भी यदि हुआ तो उसकी सिवियरिटी कम रहती, इसलिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन लिया इसका मतलब 100% आपको कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसके बूस्टर डोज की भी बात चल रही है कि इसका बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य किया जाएगा, ऐसी बातें खबरें आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये बूस्टर डोज लेने के बाद और हेल्प होगी ओमाइक्रॉन से प्रोटेक्टेड रहने के लिए, इसके बारे में? हाँ, अभी जितने भी वैक्सीनेशन हो चुके हैं जिनके दो वैक्सीनेशन उनके उनको काफ़ी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी के कारण जो कम्युनिटी इम्यूनिटी है जो समूह इम्यूनिटी बोलते हैं वो भी इम्यूनिटी काफ़ी है, लेकिन ये इसका एक नेचुरल हिस्ट्री है कि जो एंटीबॉडी डेवलप होता है वो एंटीबॉडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होने के चांसेस रहते हैं। कुछ वैक्सीनेशन ऐसे कि एक बार वैक्सीन लिया तो थ्रू आउट लाइफ एंटीबॉडीज रहता है, लेकिन ये डिसीज में उसके एंटीबॉडीज जो प्रतिकार शक्ति करने का अपने सैनिक जो बॉडी में बोलते हैं उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, एंटीबॉडीज की मात्रा कम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अभी इसका बूस्टर का रिकमेंडेशन आया है, शायद अपने यहाँ पे भी बूस्टर शुरू हो सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो ओमाइक्रॉन का टेस्ट है वो क्या RT-PCR से ही किया जाएगा या फिर इसकी भी कुछ टेक्निक है, अलग वे है इसका टेस्टिंग का, इसके बारे में? ये जस्ट COVID-19 वायरस ही है तो उसका टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट RT-PCR से होता है, एंड जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उस पर अभी शायद स्टडी होने की है, लेकिन RT-PCR से ओमाइक्रॉन अपन उसका कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन वो COVID-19 है इसलिए RT-PCR पॉजिटिव मीन्स मे बी COVID-19 अदर वेरिएंट और ओमाइक्रॉन हो सकता है। ओमाइक्रॉन यदि कंफर्म करना है तो उसका जीनोमिक स्टडी करके उसका वेरिएंट ढूंढना जरूरी है। सर तो इसमें जब ट्रीटमेंट की बात हम करते तो क्या ये पहले जो कोरोना वायरस था उसकी तरह ही इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी या ट्रीटमेंट में भी कोई बदलाव रहेगा इसमें? अभी एट प्रेजेंट ये नया वेरिएंट है, नया वेरिएंट और उसका मोस्टली केसेस माइल्ड है, तो एट प्रेजेंट उसका जो ट्रीटमेंट पुराना प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट वही पुराना प्रोटोकॉल अभी फॉलो हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे उसके स्टडीज आते रहेंगे तो प्रोटोकॉल में चेंजेस आ सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट
जो पुराना COVID-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, शहर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए इसकी तैयारियां की गई है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। अभी अपन फर्स्ट वेव हुई उसमें कुछ अपन ने सीख लिए, सेकंड वेव तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ की लोकल अथॉरिटी और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज है, उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट कर चुके हैं। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, डॉक्टर्स लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है, जो क्लास 3 क्लास 4 नर्सिंग उनका ट्रेनिंग हुआ है और बेड्स और वेंटिलेटर जो लगता है वो अभी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे तैयार है। ओके तो मतलब अच्छी खासी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। सर कहीं ना कहीं ये भी बात आई थी कि ऑक्सीजन से हवा का एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा कुछ लॉन्च किया जाने वाला है, तो क्या है उस बारे में थोड़ी सी जानकारी? एक तो उसको PSA प्लांट बोलते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। ओके वो ऑक्सीजन हवा से ऑक्सीजन कलेक्ट करके ऑक्सीजन प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑक्सीजन सप्लाई करते वो मशीन से। वो मशीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत सारे हॉस्पिटल में दे चुकी है, तो उससे ऑक्सीजन जनरेशन अपन लोकल हवा से कर सकते हैं और वही ऑक्सीजन अपन पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके तो शहर में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? शहर में भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स और कुछ NMC के हॉस्पिटल, जैसा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, ऐसे कुछ हॉस्पिटल में ये PSA प्लान का कंस्ट्रक्शन हुआ है और काफ़ी जगह पे उसका वर्किंग और उसका जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन सैंपल वो भी हो चुका है और काफ़ी जगह पे वो कार्यान्वित है। मतलब जल्द ही इसकी शुरुआत और भी तेज गति से होगी ऐसा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है इसमें कहीं ना कहीं जो मास्क है, जो अभी हम कपड़े का मास्क वगैरह बहुत लोग यूज़ करते, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली नहीं रहेगा। जो प्रॉपर N95 मास्क है उसका ही उपयोग किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कितनी सच्चाई इस बात में, इस बारे में जानना चाहती हूँ। जैसा ये जो कोविड वायरस है उसको कोरोना वायरस ही बोलते हैं, कोरोना वायरस हाईली ट्रांसमिसेबल है और उसमें N95 N99 मास्क यही इम्पोर्टेंट है जो उसका ट्रांसमिशन रोक सके। और आपने देखा है वो ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो हाईली ट्रांसमिसेबल है, उसके ट्रांसमिशन ज़्यादा है, तो ट्रांसमिशन रहने के कारण उसको N95 मास्क या N99 मास्क यही यूज़ करना चाहिए ताकि उसका रोकथाम अपन रोक सके। ओके बचाव के तरीकों की जगह हम बात करते तो क्या वही सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का यूज करना ही ओमाइक्रॉन से बचाना हो सकता है हमें? ओमाइक्रॉन से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की इम्यूनिटी मेंटेन रहना चाहिए। okay. तो बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और साथ ही में जहाँ इंडोर प्लेसेस है वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, भीड़ भाड़ के जगह पे नहीं जाना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन मीन्स सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करना यही नहीं, सैनिटाइजेशन मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ अच्छे से धोना। यदि जहाँ पॉसिबल नहीं वहाँ सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं ये, और उसके साथ अपने से दूसरों को इन्फेक्शन कैसा कम हो जाए, जैसा कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर बोलते कई पब्लिक स्पेसेस पे थूकना नहीं, वहाँ पे खांसना नहीं, उसके जो खांसी के एटिकेट्स है वो फॉलो करना ताकि अपन ऑर्गेनिज्म या इसका संक्रमण रोक सके। ओके ओमाइक्रॉन के चलते आप जनता को एक संदेश जो देना चाहते हैं, एक आखिरी सवाल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहो रखो, दूसरा वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और तीसरा कि संक्रमण इसका रोकथाम करने के लिए SMS सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, और यही सब उसके सूत्र ये है कि जिससे अपन संक्रमण या लास्ट टाइम जैसा वेव 2 वेव 3 वेव 1 आई वो रुका रोकने के लिए यही सब इम्पोर्टेंट चीजें। ओके तो कहीं ना कहीं SMS का पालन करें जिस तरीके से सर ने कहा, और फिजिकल दूरी बनाए रखें, कहीं ना कहीं मास्क का यूज़ प्रॉपर किया जाए, साथ ही सैनिटाइजर वगैरह इन सारी चीज़ों का अगर हमने इस्तेमाल किया, सतर्कता बरती, लापरवाही नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है वो इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता है, इतना असर नहीं दिखा सकता है। तो बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का पालन करना है और इससे हम ओमाइक्रॉन से बच सकते हैं। आज के हमारे इस doctors.com में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे doctors.com के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।